जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट जो है खुशखबरी निकल कर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक नई नई वैकेंसीज़ का दौर जो है जारी है। पहले जो है माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने टीचर्स के 10,000 वैकेंसीज़ के लिए ऐलान किया था, जो वैकेंसीज़ बाद में बढ़कर 12,489 हो गए। उसके बाद जो है रिसेंटली छत्तीसगढ़ में जो है सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के 3,000 पोस्ट आया और आप लोगों के लिए एक और वैकेंसीज़ का जो है भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है और वो है आपके छत्तीसगढ़ में जो है 1843 पदों पर 1843 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला। वन विभाग के पदों पर जो है बम्पर भर्ती जो है आप लोगों के लिए 2022 में सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग जो है न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रहा है। 1843 पोस्ट हैं वन विभाग में और उसमें जो है कौन कौन से पोस्ट हैं तो आप लोगों को इस वीडियो में कम्प्लीटली देखने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊंगा, योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है, कटअप कितना जाने वाला है, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरह से होगा, तो वन विभाग में कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना पद है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा और किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, कौन से बुक से आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपका सिलेक्शन होगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है 1843 वन विभाग के पदों पर जो है इस वक्त सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर बम्पर भर्ती आया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ वन विभाग में जो 1843 पोस्ट हैं जिसमें वन क्षेत्रपाल की बात करें तो वन क्षेत्रपाल के लिए जो है 315 पोस्ट हैं, वहीं उप क्षेत्रपाल के लिए जो है 55 पोस्ट पर जो है भर्ती होना है, इसके लिए जो है 55 पोस्ट हैं, वहीं वनपाल के लिए जो है टोटल 42 पोस्ट हैं और वन रक्षक की बात करें तो वन रक्षक के लिए सबसे अधिक पोस्ट हैं आपके 1431। जी हाँ, 1431 पोस्ट हैं आपके वन रक्षक के लिए। तो 1843 पोस्ट में आपके वन क्षेत्रपाल के 315 पोस्ट हैं, उप क्षेत्रपाल के 55 पोस्ट हैं, वनपाल के 42 पोस्ट हैं और वन रक्षक के टोटल जो है 1431 पोस्ट हैं। और आप लोगों के लिए एक सबसे ज़्यादा बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है आपके वन विभाग में जो वन क्षेत्रपाल, उप क्षेत्रपाल, वनपाल, वन रक्षक का जो भर्ती है होना है इसमें आपका जो है कहीं पर भी माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पाता कि उसमें जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग होता है। तो इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं होता तो आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। और आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो आपके एग्ज़ाम्स में कुल जो है 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे जो कुल 100 अंकों के होंगे। एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है 2 घंटे का समय जो है दिया जाएगा। जी हाँ, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, एग्ज़ाम्स के लिए 2 घंटे का ही समय होगा। योग्यता की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा योग्यता नहीं है, सिर्फ 12वीं पास है। 12वीं यदि आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से है आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं हम बात करें सैलरी इसमें कितना मिलेगा तो 15,000 रुपये आपको जो है सैलरी दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर डायरेक्ट सीधी भर्ती होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 100 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय ही आपको जो है एग्ज़ाम्स के लिए दिया जाएगा। तो इसमें सामान्य ज्ञान से प्रश्न आएंगे, हिंदी से आएगा, अंग्रेजी से आएगा, गणित से प्रश्न जो है रीजनिंग से आएगा, सामान्य विज्ञान से आएगा। तो सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका जो है वातावरण, इन्वायरमेंट से आएगा, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक की कौन से पुस्तक को कौन से राइटर ने लिखा, वनस्पति विज्ञान बॉटनी से प्रश्न आएगा और जूलॉजी से प्रश्न आएगा। साथ ही कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर होगा, भूगोल होगा, जियोग्राफिक से और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा और इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद से और बेसिक आपका जीके आएगा, करंट अफेयर्स जिसमें आपका खेल कि कब कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पुरस्कार जीता, इतिहास आएगा, संस्कृति, परंपरा, त्यौहार और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, विश्व में आविष्कार, ये सभी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के बाद यह हुआ है तो सामान्य ज्ञान की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए जो है प्रतियोगिता सारांश लेना है जिसमें आपका कम्प्लीटली MCQ क्वेश्चन दिया रहता है जो आपके CGPSC व्यापम सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है लगभग 5,000 MCQ क्वेश्चन दिया रहता है जो आपके एग्ज़ाम्स के
को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसमें हर एक चीज़ों के बारे में जो है आपको कम्प्लीटली नॉलेज एक्सप्लेन ए टू जेड जो है अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आप लोगों को और बेहतर से बेहतर अच्छे नॉलेज जो है मिल सके। तो आप जो है टू टेजर ट्यूटोरियल्स का ले सकते हैं। और इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ की यदि आप कम्प्लीटली जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले हरिराम पटेल सर के कॉम्पिटिशन एकेडमी का आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपकी छत्तीसगढ़ की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज मिल जाएगा। वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हिंदी के आपके व्याकरण आएगा, व्याकरण में आपका स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी संज्ञा समास मुहावरे लोकोक्ति अपठित गद्यांश ये सभी हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा, ताकि आप लोग व्याकरण की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे हिंदी। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आएगा, आपके इंग्लिश के ग्रामर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको इंग्लिश से परेशान होने की डरने की कोई भी बात नहीं है। तो इंग्लिश की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। और ग्रामर में आपका पूरा नाउन प्रोनाउन टेंस वाइस नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टेक वन वर्ड और सब्स्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही मैथ्स की बात करें गणित के लिए, तो गणित की तैयारी यदि आप करना चाहेंगे जिसमें आपका अनुपात सम अनुपात त्रिज्या शंकु लघु गणक होता है, तो मैथ्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपकी गणित की तैयारी जो अच्छे से हो पाए। इसके साथ रीजनिंग की बात करें जिसमें आपका लॉजिक वाला अंक गणित आता है, तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपको जो है कम्प्लीटली दिया रहता है, तो रीजनिंग के लिए आप जो है ये ले सकते हैं। और वहीं सामान्य विज्ञान साइंस के लिए आपको दृष्टि IAS का IAS का जो है क्विक बुक लेना है, जिससे आपके साइंस की प्रिपरेशन जो अच्छे से हो पाए। तो इन सभी बुक से जो आप गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है बहुत अच्छे से बारीकी से हो पाए और आपको जो है सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज जो है मिल जाएगा। तो आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक जो है ले सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना जो है सपोर्ट दिखाइए। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को न्यू वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।